मुसलमान हो गए चाहे दलित हो गए चाहे सिख हो गए भावे कहा नहीं जा रहा उभर ले पर पॉलिसिया नीतियां साजिशां इस तरह दियां घड़ियां जा रही हैं कि घट गिणतियां जिहड़ियां ने मिनोरिटीज जिहड़ियां ने हिंदुस्तान दियां उन्हां नूं जिहड़ा है मानसिक तौर पर परेशान किया जाए उन्हां नूं शरीरक तौर पर परेशान किया जाए दलितां नाल भी इहो कुछ होणा साडे नाल भी इहो कुछ हो रहा सिखां नाल गल उन्होंने कही भी पंजाब दे विच जां देश च बहुत वड्डा जिहड़ा है मिनोरिटीज़ नूं खतरा है सब तो पहला खतरा मुसलमानां नूं उदों बाद खतरा सिखां रब दे वास्ते जथेदार साहब क्यों अग लाउण लगे क्यों तबाह करन लगे होए हो उहनां सारे लोकां नूं जिहड़े वार वार श्री अकाल तख्त साहिब दे एक्टिंग जथेदार ग्यानी हरप्रीत सिंह नूं निशाने ते लै रहे ने इह गल समझणी चाहीदी है कि जेकर उहनां दे सिरां दे उपर दस्तारां ने नां नाल सिंघ लगदा जां कौर लगदा तां फिर उहनां नूं जेकर श्री अकाल तख्त साहब दे एक्टिंग जथेदार भारत दे अंदर घट गिनती कौमां प्रति सच्चाई बयान करते ने तो उन्होंने मिर्चा नहीं लगनिया चाहीदियां वो भी अपने आप नूं सिख खवाउंदे ने जेडे इस तरह की बयानबाजी कर रहे ने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह गुरु प्यारे श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जो अपने बेबाक अंदाज करके जाने जाते हैं जिन्होंने हमेशा सिख कौम की चढ़ती कला वास्ते फैसले लिते ने ते हुण लगातार ज्ञानी हरप्रीत सिंह कांग्रेसी MP रवनीत बिट्टू के निशाने ते ने 6 जून नूं जदों श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ने यह गल आखी सी मीडिया नूं जदों उन्हां तों बार बार पुछया गया सी कि तुसी खालिस्तान चाहुंदे हो तां ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा सी अन्ना की पाले चार अखां जेकर सरकार सानूं साडा खालसा राज दिंदी है तां असीं जरूर कबूल करांगे ते हाल ही दे विच इक समागम दौरान ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने यह साफ किया कि भारत की हिंद हकूमत किस तरीके नाल घट गिणतियां ते तशद्दुद कर रही है किस कदर घट गिणतियां नूं एहसास करवाया जा रहा है कि वह एक हिंदू राष्ट्र विच रहिंदे ने ते हिंदू राष्ट्र दियां नीतियां ते उहनां दे कानून किद्दां घट गिणतियां उत्ते दलितां उत्ते थोपे जा रहे ने इत्थे जिक्र खास है कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने यह सारी गल करदिया होया सिर्फ सिख कौम की गल नहीं सी कीती हर धर्म हर वर्ग की गल कीती सी फिर गल चाहे मुसलमान वीरां दी होवे ईसाइयां दी होवे बौद्धियां दी होवे जैनियां दी होवे पर फिर भी ज्ञानी हरप्रीत सिंह की इस गल नूं गलत ठहराया जा रहा है ते नाल ही रवनीत बिट्टू ने बादल परिवार भी निशाने ते लिया ते कई सवाल दागे कि जो कुछ भी ज्ञानी हरप्रीत सिंह कह रहे ने कर रहे ने कि वह उन्हां दे इशारे ते कहा जा रहा है क्योंकि अक्सर यह गल कही जाती है कि SGPC हो गई या अकाल तख्त साहिब दे जथेदार दी आवाज़ हो गई यह कितना किते बादल परिवार विचों ही निकल के सामने आती है क्योंकि उन्हां दे इशारियां दे उत्ते ही यह तरह काम करदियां ने ते जिथे तक रही करोना वायरस की गल तां उस दे उत्ते भी ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने साफ किया कि करोना वायरस करके पंजाब सरकार बेशक पंजाब की आवाम नूं डरा रही है एक पासे जे कार विच 2 व्यक्ति सफ़र कर रहे ने तां वी चलान उन्हां दा कट दिता जांदा है करोना कह के ते जेकर एक बस विच 50 सवारियां बैठियां ने तां फिर करोना दा कोई खतरा नहीं हुंदा इत्थे ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे कहण दा भाव सी कि अजिही दोगली राजनीति सरकारां नूं नहीं करनी चाहीदी हर किसे वास्ते मापदंड सेम होने चाहीदे ने इक्को जिहे होने चाहीदे ने पर किते ना किते सरकारां अपना खजाना भरदा होया वेखना चाहुंदियां ने इस लई जदों लॉकडाउन लग्गिया वी सी जदों सारा कुछ बंद पिया सी उदों शराब दे ठेके खोले गए ते हुण 50 तों वधा के आम बसां दे विच सवारियां चढ़ाण ते होर खुल दे दित्ती गई है कि जिन्नियां सीटां ने उन्नियां सवारियां बसां विच बिठाईआं जा सकदियां ने हुण तुसीं आप सोच सकदे हो कौन सही है ते कौन गलत आखिर की कुछ कहा रवनीत बिट्टू ने ते ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने की कहा आओ मारदे आं इक नज़र ते फिर वेखदे आं कि इस सारे मसले दे उत्ते ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन दे साबका प्रधान अते श्रोमणी अकाली दल टकसाली दे जनरल सकत्तर भाई करनैल सिंह पीर मुहम्मद ने की कहा की गल उन्होंने कही भी पंजाब दे विच जां देश च बहुत वड्डा जिहड़ा है मिनोरिटीज़ नूं खतरा है सब तो पहला खतरा मुसलमानां नूं उदों बाद खतरा सिखां नूं रब दे वास्ते जथेदार साहब क्यों अग लाउण लगे क्यों तबाह करन लगे होए हो इह गल कही भी भाई जिहड़ियां संस्थावां ने सिखां दीआं संस्थावां ने उह लोक उहदे विच बहि के भी ढाल आ रहे आ ते बाहर रल के लोगों ढाल आ रहे हूँ ये दसन भी सब तो बड़ी संस्था थोड़े को खालसा संत जथेदार हो दूजी SGPC के प्रधान
ਜਾਂ SGPC ਸਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਾਦਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ SGPC ਇਹ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਤਵੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਦਊਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ SGPC ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਦਰਾਂ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਆ 19 ਆ, ਕਰੋਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 13-14 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਦਾ 25,000 ਬੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਰੋਜ਼ 550 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ, 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਵੱਡੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਲਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਪਾਰੋਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹੋਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਭਾਈ ਸਮਝ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਤਰੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਦੋ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਢਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੈੱਟ ਪੈਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਮਝਦਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ, ਸੰਤ ਵੀ ਸਮਝਦਾ, ਨਾਸਤਕ ਵੀ ਸਮਝਦਾ, ਆਸਤਕ ਵੀ ਸਮਝਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਘਾਤਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਭਾਈ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਾਰ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ 2 ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ, ਬੱਸ 'ਚ 50 ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਐਸੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ।
अपनी किसानी को बचा सकी। साड़ी किसानी भी जिहड़ी है आने वाले समय के संकट का शिकार बनन जा रही। अमेरिका, कनेडा, जापान इन मुल्कों के सिर्फ 2% किसान है और साढ़े भारत 55%। तो जो जी पॉलिसियां बनाई जा रही हैं, मैं लगता आने वाले समय च हिंदुस्तान भी किसान 2% रह जाने। बाकी जड़े 53% होंगे वो की करे अब सोचने की लड़ है। की करे, कितों खाने, किमें ग्रोथ करे, किमें अपने परिवार पालन, किमें अपने बच्चों पढ़ाने, ये अब साड़िया संस्थावान सोचने की जरूरत है, फैसले लैन की जरूरत है। असी श्री गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह का प्रकाश पुरब मना रहे हैं। जिमें सिंह साहब जी ने भी दसिया है, सरदार अमरजीत सिंह जी ने भी दसिया है कि सिखो एक चीज तुसी करनी है और वह है गुरु का भरोसा। ताड़ा गुरु का भरोसा नहीं टुटना चाहिए। जिंदगी दुख आ जाए, सुख आ जाए, ताड़ा गुरु का भरोसा नहीं टुटना चाहिए। गुरु का भरोसा रखो, गुरु का भरोसा रखोगे तो गुरु बाँह फड़ूगा। जो गुरु का भरोसा नहीं रहा तो गुरु ने बाँह नहीं फड़नी, तो फिर जो गुरु ने बाँह नहीं फड़नी तो सरकार सरकूर ने भी बाँह नहीं फड़नी है, फिर आप रुलांगे। किसान खुदकुशियां करते, हुण नौजवान जिहड़े साडे खुदकुशियां कर रहे हैं उन्हां दा जिहड़ा अंकड़ा है वह किसानां दीआं खुदकुशियां दे अंकड़िआं नूं पार कर गया। ये वड्डी चिंता वाली गल है, सोचण वाली गल। किसान खुदकुशियां कर रहे हैं, चलो एक मान लो भी नशा करता भी तां खुदकुशी कर गया, नशा नहीं मिलिआ खुदकुशी कर गया, अमृतधारी खुदकुशियां कर रहे। क्यों? गुरु नाल जुड़े ही नहीं असीं। जिहड़ा गुरु नाल जुड़िआ वो कदे खुदकुशी करन बारे सोचदा नहीं है, वह संघर्ष करता है। तो जिहड़ा संघर्ष करता है गुरु की बाँह फड़दा है, जिहदे गुरु बाँह फड़दा है फिर वह खुदकुशी नहीं करता, वह खुदकुशी नहीं करता। अज जरूरत इस गल की है, साडा सारा का फर्ज बनता है कि असी कुछ ऐसिया पॉलिसिया, ऐसिया नीतियां जिहड़ियां लैके आईए। विद्वान जिहड़ी मेरी कौम में बैठे है, ज़्यादातर तो विद्वान भी साडे धड़ियां 'च वंडे गए। साडी समस्या भी है कि विद्वान धड़ियां 'च वंडे गए हैं, पर मैं अज इस पावन पवित्र अस्थान तो कौम के बुद्धिजीवियों, कौम के विद्वानों, मैं ये हाथ जोड़ के अपील करदा कि धड़ेबंदियां छड़ो, कौम के नौजवानों लई पॉलिसियां बनाउण दे विच साडा साथ दिओ। सानूं दसो कि असीं कौम लई की करिए, सानूं दसो कि कौम लई असीं की कर सकदे हां, क्योंकि विद्वानों ने दसना है। धड़ेबाजी चो, पार्टी बाजी तो उभर उठ के सानू सुझाव भेजो ताकि असी धन गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह के वारस असी अपना भविख उज्जवल कर सकीए, अपने नौजवानों का भविख उज्जवल कर सकी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बीते कुछ दिनों तो कांग्रसी एम पी रवनीत सिंह बिट्टू वालों लगातार श्री अकाल तख्त साहब न मुखातब होकर जिस तरीके की बयानबाजी की जा रही है वह बेहद निंदनयोग है, और इस संबंध में उन्होंने सारे लोगों जोड़े वार बार श्री अकाल तख्त साहब के एक्टिंग जथेदार गयानी हरप्रीत सिंह निशाने पर लै रहे हैं, ये गल समझनी चाहिए है कि जेकर उन्होंने सिरों के उपर दस्तारा ने ना सिंह लगता ज कौर लगता तो फिर उन्होंने जेकर श्री अकाल तख्त साहब के एक्टिंग जथेदार भारत के अंदर घट गिनती कौमां प्रति सच्चाई बयान करते हैं तो उन्होंने मिर्चा नहीं लगनिया चाहिए। वो भी अपने आप को सिख खवाते हैं जेडे इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कुछ भी गलत नहीं किया, उन्होंने पंजाब ही नहीं देश के अंदर जो घट गिनती कौमां ने उन्होंने उपर जो जुल्म तशद जां वितकरा हो रहा उसकी गल की, और उन्होंने नाल ही टीवी चैनलों जो अज का इलैक्ट्रॉनिक मीडिया 21वीं सदी के सोशल मीडिया उस दे उपर जो किरदारकुशी सिख कौम की की जा रही है उसकी उन्होंने गल की है, तो उन्हों का फर्ज भी बनता है कि वह अपनी कौम को सचेत कर। सो मैं ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी की जिते शलाघा करदा उत्थे इहोजी बयानबाजी करने वाले लोगों इस गल सचेत करदा कि वो जिनी मर्जी
खुशामद कर लैन दिल्ली दरबार की, लेकिन दिल्ली दरबार ने उन्होंने वरत के तो पासे कर देना। सो इस तरह की सिर के उपर दस्तारा बन के यहो जी बयानबाजी करन तो गुरेज करना चाहिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरप्यारे अंत तक एक ही गल कहनी चाहेंगे, सिख कौम वह कौम है जिन्हें कदें भी गोटे नहीं टेके जालम हकूमत अगे, फिर लख बुरियां ताकत कोशिश कर लैन इस कौम का खुरा खोज मिटाण की, इस कौम नूं टाल लाण की, पर यह कदे भी माड़िया धिरां ना समझण कि कदे इस कौम नूं टाल लाई जा सकती है या इस कौम दे विच नगार पाया जा सकता है। बेशक अज अगर असी कौम वल नज़र मार के वेखिए तां कौम सानू खेरू खेरू हुई नज़र आती है, क्योंकि बहुत सारे पाड़ सिख कौम दे विच पा दिते गए ने। बेशक यह कुर्सियां नू लैके होण, अहुदेदारियां नू लैके होण, सियासत नू लैके होण या जाता पाता नू लैके होण, पर सरकारां इह गल कदे ना भुल्लण कि जेकर सिख कौम दे उत्ते कोई भी भार पैंदा है तां सारी कौम एकजुट एकमुठ होण लग्गिआं देर नहीं लांदी। ते जिस दिन एक केसरी निशान साहिब थल्ले इह सारे सिंह इकत्र हो गए ते वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह दा जकारा लाया, उदों माड़ियां सोचां वालियां दियां सारियां बुनियादां हिल जाणगियां ते सारे ख्वाब तराशाही हो जाणगे। इसलिए सरकारां दा अपना फर्ज बनता है कि भारत दे विच जो भी घट गिणती है ने, वसनीक है ने, बेशक हो ईसाई ने, बोधी ने, जैनी ने, सिख ने या किसी भी होर धर्म तो ताल्लुक क्यों ना रखते होन, उन्होंने उन्होंने बनता माण सम्मान दिता जाए, बनते हक दिते जाण, किसी उत्ते कोई कानून जबरदस्ती ना थोपिया जाए, ता जो कदे भी देश के किसी भी कोने दे विचों कोई भी वक्खवादी आवाज़ा उठ ही ना सकन, क्योंकि यह सब सरकारां दे हाथ विच है कि सरकारां भारत की आवाम नूं किस तरह खुश रखदियां ने। तो यह सब इस मसले उत्ते की सोचते हैं अपने विचार नीचे कमेंट्स के जरूर देना। वीडियो चंगी लगी होवे लाइक ते शेयर भी जरूर करना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख धर्म की हर गतिविधि अते गुरबाणी वास्ते हुणे सबसक्राइब करो गुरबाणी अखंड बाणी, अते नोटिफिकेशन वास्ते बैल नूं रिंग करो।